अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। दोस्तों, इस वक्त महमूदाबाद नाले पर मौजूद हूँ और पीछे आप देख सकते हैं कि गर्मी शदीद है, इतनी शदीद गर्मी है तकरीबन 40, 42, 43, 44, 45, 50 तक भी हो सकता है कहीं गया हो। और गर्मी ने लोगों का बुरा हाल किया हुआ है और बारिश का जो है ना एक अलर्ट है कराची के अंदर कि बारिश जो है ना बहुत तेज़ होगी। लेकिन बारिश के आने से पहले नालों का जो काम होता है, जैसे सफाई होती है, वो सारे जो है ना सफाई होनी चाहिए। लेकिन ये क्या नाम है उसका, अभी जो है ना नाले इतने भरे हुए हैं कि आप देखकर जो है ना परेशान हो जाएंगे कि नालों का ये हाल है। बारिश आने से पहले ये नालों का हाल है और नाले जो है ना इतना जम चुका है कि यहाँ से बच्चा या इंसान भी जो है ना पैदल चल सकता है, यहाँ से पैदल चल सकता है वो। जनाब, ये सफाई होनी चाहिए, ये बहुत गंदगी है, नाले की हालत देखें, बहुत परेशानी का आलम है। बारिश हो गई तो हमारे घरों में पानी आ जाएगा। नाले चौक होने की वजह से, चौक अभी है। अभी बहुत प्रॉब्लम हो रही है, पानी निकल नहीं रहा है और मजीद अगर बारिश हो गई तो बहुत परेशानी हो जाएगी, बहुत परेशानी, बहुत ज़्यादा। तकरीबन ये सिर्फ ये एरिया है या ये सारा एरिया? ये तकरीबन आप ये दूर दूर तक देख लें, यहाँ से भी देखें, यहाँ से भी देखें, सब चौक हुआ है, सब चौक हुआ बिल्कुल। और ये जो हमारे इदारे हैं ये बिल्कुल तवज्जो नहीं कर रहे हैं इनसे। बारिश से पहले मशीनें आके काम करना चाहिए, बिल्कुल ज़रूरी है जी, ताकि जो है ना ये बारिश का पानी जब आए तो ये बाहर उबल के पानी बाहर ना आए। हाँ, परेशानी हो, हाँ प्रॉब्लम ना हो, ये होना चाहिए लाजमी, ये रिक्वेस्ट है, मेहरबानी होना चाहिए। ये देखें, ये हाल है नालों का। तो थोड़ा आगे पीछे भी चलते हैं और इस तरफ भी चलते हैं तो थोड़ा सा फिर देखते हैं कि क्या पोजीशन है, क्योंकि ये नाला जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना यहाँ से भरा हुआ है। ये जा रहा है कयूमाबाद तक और ये जा रहा है बलोच कॉलोनी की ब्रिज तक जो है ना जा रहा है ये नाला। बड़ी बड़ी लाइनें डली हुई हैं लेकिन क्या पानी जाने का इंतज़ाम जो है ना बिल्कुल जाम हुआ हुआ है नाला ना। ये सूरत हाल है और आगे पीछे चलते हैं देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। ये नाले की हालत आप देख सकते हैं कि क्या पोजीशन है नाले की, बिल्कुल यहाँ से थोड़ा सा जो है ना खुला हुआ है और पता नहीं कैसे खुला हुआ है क्योंकि लोग यहाँ से कचरा नहीं फेंकते, लोग कचरा जो है ना बिल्कुल किनारों पे फेंकते हैं, जो गली के किनारों से आते हैं वो लोग कचरा फेंकते हैं। और अभी जाते हैं और आगे की तरफ और देखते हैं कि क्या सूरत हाल है नाले की, कि नाला जो है ना कहाँ कहाँ से जो है ना चौक हुआ हुआ है और बारिश का जो अलर्ट है उस बारिश के अलर्ट के बाद जो है ना नाला जो है ना बर्बाद हो जाएगा और आवाम का भी जो है ना जीना महाल हो जाएगा। ये देखें आप, ये तो बहुत ऊपर हुआ हुआ है। ये अब हम जो है ना आजम बस्ती की तरफ जा रहे हैं, ये आजम बस्ती का एरिया है। अब
तो मिला होगा भाई। इधर ले, इधर हाँ, इधर से ले। वो देखें दीवारें दोस्तों भरी पड़ी हैं, अभी हम जब यानी कि कचरा फेंक के इन्होंने वो हाल कर दिया है कि अब इंसान भी जो है ना आराम से पैदल चल सकते हैं। बहुत ऊपर आ चुकी है दीवार, इधर ले किनारे पे, हाँ किनारे पे। ये देखे दोस्तों क्या सूरत हाल है नाले की, नाले का बेड़ा पार हुआ हुआ है। भाई यहीं से मोड़ लियो, बाबा सही है यहीं से मोड़ लियो, हाँ वहाँ से रोक, थोड़ा सा रोक दिए ताकि वहाँ से बना लिया उस कोने पे। नालों की सफाई तो होनी चाहिए लेकिन फिलहाल कोई भी सफाई नहीं हो रही, इनकी सब भरे हुए हैं और ये बारिश वगैरह आ गई तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी हम लोगों के लिए। बारिश का भी अलर्ट चल रहा है और सफाई बिल्कुल भी नहीं हो रही है। सफाई अब क्या दारों को, क्या दारों को यही कहना चाहेंगे कि टाइम पे इनकी सफाइयाँ कर दो ताकि गरीब आदमी का घर वर बच जाए, उनका नुकसान होने से बच जाए। ये हमारा लाला बेचारा, इसका पिछली दफ़ा घर डूब गया था, ये बहुत गरीब आदमी है तो ये इनसे थोड़ा सा बातचीत करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम दोस्त, क्या हाल है, खैरियत है? अल्लाह का शुक्र है लाला। क्या घर डूब गया था सुना है मैंने? हाँ बिल्कुल, घर सार घर डूब गया, ये नाला जब नहीं बना हुआ था। अच्छा उस वक्त? हाँ उस वक्त ये इतने हम लोगों ने बहुत कोशिश किया, ये पूरा घरों को गिराने का कोशिश किया, ये गिरा रहा था। फिर हम लोग बात इतिजाज किया, सिटी कोर्ट गया था, इधर गया था, जज साहब के पास गया, उसने मेहरबानी करके ये हमारा घर बच गया, वरना ये तो वहाँ वहाँ पे निशान लगाया था। अच्छा दूर तक लगाया था? बहुत दूर से निशान लगाया। अच्छा, और आगे सब ये तो खैर गवर्नमेंट का कसूर नहीं है, ये तो हम लोगों का कसूर है। देखो जानबूझ को कचरा डालता है, इधर भी कचरा डालता है, इधर भी कचरा डाल, ये गवर्नमेंट का क्या कसूर है? ये बेचारों ने बनाया, बड़ा मेहनत से किया, बड़ा करोड़ों पे पैसा लगाया और हमारा तो ये इसमें सफाई रखना। और अभी बरसातों से पहले अगर गवर्नमेंट ने थोड़ा मेहरबानी कर दिया और सफाई हो गया तो हम लोग बहुत खुश हो जाएगा। और बहुत पैसा लगाया, दुआएं देगा और बहुत करोड़ों पे पैसा लगाया। और ये देखो ये जो पिलर नीचे गिराया और पिलर उठाया फ्लो के लिए बहुत बहुत पैसा लगाया। अब ये हम लोगों का काम अच्छा हो गया, काम बहुत जो है ना हम नहीं, अब ये तो हम नहीं सुध रहे, ये तो गवर्नमेंट का कसूर नहीं है, नहीं इधारों का कसूर है, नहीं रक कसूर है, ये तो हमारा कसूर है। अच्छा लाइटें जल रही है? नहीं जल, नहीं लाइट तो सारा खराब हो गया, लाइट तो बना, लाइटों के ऊपर कितना पैसा लगाया, लाइट सारा खराब हो गया, दोबारा कोई आया नहीं, एक भी नहीं जल रहा है, एक भी नहीं जल रहा। ये मसले बना हुआ है मेरे दोस्त हमारे, ये बड़े इधारों को बड़े लोगों को ये मसला है। अल्लाह आपको इज्जत दे, जो तुम लोग हम लोग को इंटरव्यू लिया आपको अल्लाह इज्जत दे, और ये सफाई हम लोगों को भी थोड़ा कोशिश करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, ओके मेहरबानी। ये हाल हुआ है दोस्तों नाले का। खान साहब की आपने बात सुनी कि हम लोग खुद ये नाले वाले भरते हैं, ये गवर्नमेंट का कोई कसूर नहीं है। सही बोला लाला ने कि गवर्नमेंट का कोई कसूर नहीं है, गवर्नमेंट ने बना के दे दिया, अब हिफाजत करना जो है ना आवाम का काम है। लेकिन आवाम हिफाजत कैसे करे, आवाम तो खुद कचरा डालने के जो है ना लाइक कचरा डालने के डालने को पसंद करती है कि कचरा डाल दिया जाए और ये कर दिया जाए वो कर दिया जाए, ताकि जो है ना बस आवाम का जो है ना आवाम जो है ना अपना थोड़ा ख्याल कर ले कि जो है ना कचरा जो है ना कचरा जो आता है घर पे लेने के लिए बंदा उसको कचरा दे, वो किसी ऐसे एरिया में जाके फेंकता है ताकि जो है ना
आराम से बंदा ऊपर चढ़ सकता है, आ सकता है, जा सकता है। वो सामने भी आप देखें, यहाँ से भी आ सकता है, जा सकता है। ये लोगों को बड़ा समझाते लेकिन नहीं समझते ये लोग, नहीं। तो फिर की कहोगे, गवर्नमेंट के सफाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? सफाई तो होनी चाहिए, जाहिर सी बात है। अच्छा, ये नाले बंद हो जाएंगे, फिर रोडों पे गलियां गंद सारे आने वाली है, और उसके बाद जो है ना ये नाले भर जाएंगे। हां बिल्कुल बिल्कुल ऐसा, ये बहुत मुश्किल में होंगे फिर। हां अच्छा मास्टर आए। हां हेलो, ओके, बिल्कुल सही कह रहे ये भाई, जो कह रहे ना ये आगे दो भी नहीं सही। हां ये बिल्कुल चौक हुआ हुआ ये एरिया। तो ये थी दोस्तों एक महमूदाबाद नाले की अपडेट, जो कि आप देख सकते हैं क्या, ओए होए क्या हाल किया हुआ है यार, ओए होए होए होए, देख सकते हैं आप पोजीशन। अच्छा जंगल बन गया दोस्तों, इसके अंदर दरख्त उग गए, घास उग गई, अजान हो रही है दोस्तों। यहीं से चाहते हैं इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।